फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, शेयर किया करो। आप लोग करते हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में है जो एक मिडिल क्लास फैमिली की जो लाइफ होती है, डेली लाइफ होती है, हम खासकर हम हाउसवाइफ की, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं आज। तो आज है संडे, संडे को किस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर मैं सूरत में रहती हूँ, वहाँ पर किस तरीके की मेरी लाइफ है, बस वही शेयर कर रही हूँ। गाँव की तो हर अलग होती है, तो गाँव की जब मैं गाँव जाऊँगी तो शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी नहा के आई हूँ और अभी बज रहे 11, क्योंकि मुझे थोड़ी सी घर की क्लीनिंग करनी थी, डस्टिंग करनी थी, वो वीडियो नहीं मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि पंखे पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ, पंखा चलता है ना तो उस पर धूल जमा हो जाती है। तो पहले मैंने उसको क्लीन किया, उसके बाद फिर झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, और फिर क्योंकि आज दोपहर में खाना बनाना था तो सुबह खाने का कोई झंझट था नहीं। और आज बहुत गजब हो गया फ्रेंड, पता, अब कपड़े मैंने धो के रखे बट पानी चला गया, तो अब जब पानी आएगा तब ना छोड़ के सूखने के लिए डालेंगे। वैसे भी बरसात हो रही है तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले मैं खिड़की के आ गई हूँ और मैंने सोचा चलो बाल धो के आए तो गीले बालों में इनको कंघी कर लेती हूँ ना, तो अच्छे से सुलझ जाते हैं। अगर बाल सूख जाए ना फिर कंघी करो ना, बाल धो के आओ तो एकदम इतने बाल टूटते हैं बहुत ज़्यादा, और दर्द होता है वो अलग। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं बाल धो के आती हूँ ना तो तुरंत के तुरंत ही कंघी कर लेती हूँ, तो गीले बालों में जल्दी से सुलझ जाते हैं बाल। और उसके बाद मुझे थोड़ी सी, मैंने सोचा आज रील बना लेती हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मेकअप सेकअप नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता, बस ऐसे थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, थोड़ा सा पाउडर लगा लिया, बस बहुत इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरी इंस्टा आईडी नहीं पता, इंस्टाग्राम की आईडी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सुमन राठौर 01, तो आप लोग जाइए वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी रील डालती हूँ। तो मेरे बाल मैंने अच्छे से ऊँच लिए हैं, मतलब कहने का कि मैंने निकाल लिए हैं, कंघी कर लिए है। तो चलिए आप बनाती हूँ खाना। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस आज संडे है, संडे का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। बज रहे हैं करीबन 12, तो आज कुछ थोड़ा काम करना था, इसके लिए मैं थोड़े लेट ना आई हूँ। आज साफ सफाई करनी थी थोड़ी, तो अभी बस जस्ट नहा के बाल धोए हैं आज मैंने, और अभी दोपहर का खाना दोपहर में ही बनने वाला है क्योंकि आज संडे था तो सुबह तो नहीं बना है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, शेयर किया करो। आप लोग करते नहीं हो और चैनल को, वीडियो तो देखते हो आप लोग, बट क्या करते हो कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आप, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप मेरा वीडियो देखते हो डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्जी और रोटी, बस इतना ही। और आज कुछ खास है नहीं, बस इतना ही है। घर का काम थोड़ा बहुत हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी, क्योंकि संडे का दिन कैसा होता है जिसमें कितना भी हम लोग काम कर ले तो अभी थोड़ा बहुत रह जाता है, एक्स्ट्रा काम कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो सोच रही थी कि झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा पंखा क्लीन कर लूं, लेकिन मैं भूल गई। अब सोचती थोड़ी देर बाद मेरे बाल जब हल्के सूख जाएंगे ना, उसके बाद पंखा क्लीन करके दोबारा से झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि पंखे पे बहुत ज्यादा डस्टिंग हो गई है। पंखा चलता है ना तो ऐसे उस पर बहुत ज्यादा डस्टिंग हो जाती है। तो कुछ नहीं, बस इतना ही है। आज मेरे हस्बैंड नाश्ता करके नहीं गए, उन्होंने बाहर ही नाश्ता किया होगा, बोल रहे थे मैं बाहर कर लूंगा, लेट हो रहा हूँ। तो पहले मैं उनको फोन करके पूछूंगी कि आप कितने बजे तक आओगे, तो उस हिसाब से मैं खाना अपना रेडी करके रखूंगी। तब तक बस एक दो रील्स बना लेती हूँ इंस्टाग्राम पर, जो कि अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है सुमन राठौर 01, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर लीजिएगा। मेरे फोटोज, मेरे रील्स वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी अपलोड करती हूँ मैं, तो आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लीजिए मुझे, वहाँ पर भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि सपोर्ट जिस तरीके से आप मुझे कर रहे हैं, आगे भी करते चलिए, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैंने बाल ऊँचे, यहाँ पे बाल कंघी करे थे तो बहुत सारे बाल झड़ गए थे, तो मैंने कहा चलो इसको अच्छे से, इसी तरीके से मुझे अच्छे से बाल उठाने पड़ते हैं, तभी वरना रह जाते हैं ना तो पूरे घर में देखते हैं तो अच्छे नहीं लगते कोई बिल्कुल भी, मतलब कभी कभी खाने वाने में चले जाएँ तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए मैं जब भी कंघी करती हूँ, चोटी करती हूँ, तो अच्छे से नीचे से सारे बाल को अच्छे से उठा लेती हूँ
और फिर कोई दूसरा काम करती हूँ। नहीं तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि झाड़ू लगाने से पहले मैं शाम को भी और सुबह भी चोटी कर लेती हूँ अपनी, तो इससे क्या होता है कि बाल बिल्कुल भी घर में नहीं रहते। तो आ गई हूँ मैं मेरे किचन में। तो आज बनाने वाली हूँ मैं मटर आलू की सब्जी, जो कि मैंने पहले छील के रखी थी वो। तो तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया है। सबसे पहले मैं कट करूँगी क्या पता आप लोग को प्याज। तो मैं क्या करती हूँ वही के मतलब गैस के पास में खड़े होके सारी सब्जियाँ कट कर लेती हूँ तुरंत के तुरंत, वहाँ छील छील काट के छोंक देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बचता है, और अगर हम पहले से उसको काट पीट के रखेंगे फिर छोंकेंगे तो टाइम ज़्यादा जाता है, काटने में जाएगा फिर छोंकने में जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि बस जो पहले जो मसाला भूनते हैं ना हम लोग, जैसे कि और जो मिर्ची हो गई और प्याज लहसुन, उसको कट करती हूँ। तो जब तक हमारे कढ़ाई में तेल गर्म हो गया होता है तो फिर हम वो मसाले डाल देती हूँ, उसको भुनने देती हूँ। फिर उसके बाद फिर टमाटर ऐड कर देती हूँ, तब तक अपने आलू छील लेती हूँ आराम से। फिर आलू कट करके मटर ऐड करके सब्जी हमारी छोंक देती हूँ। बस इसी तरीके से मैं तो डेली करती हूँ, आप लोग किस तरीके से करते हो वो मुझे ज़रूर बताना। तो बस देख लीजिए, और फ्रेंड मेरे 5 के सब्स पूरे हो जाएंगे ना, तो आप सब लोगों की मैं हेल्प करूँगी, आप सब लोगों की मैं मदद करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे व्यूज़ आ रहे थे लेकिन अचानक ही पता नहीं क्या हो गया, अपने आप कम हो गए। कोई बात नहीं, व्यूज़ तो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, बस ऐसा ही है। तो चलिए, तो फ्रेंड मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो उससे पहले मुझे रोटी सब्जी जो भी बनाना है पहले ही बना के रख देती हूँ मैं, क्योंकि फिर उसके बाद वो आ जाते हैं ना तो फिर भूख भूख करने लगती है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो जाता है। सुबह नाश्ता करके जाते हैं बस, फिर उसके बाद तो दोपहर में 2 बजे 3 बजे कभी कभी 4 भी बज जाते हैं, तो उनको भूख लगती है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले ही सारा खाना रेडी करके रख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं सब्जी छौंक देती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटियाँ। तो रोटी हमको कुछ ज़्यादा नहीं बनानी होती, बस 8 से 10 रोटी बनानी होती है हम दोनों के बीच में, बस तो हमारा काम हो जाता है। तो पता है फ्रेंड, आज तो मैं शाम को जब नीचे सामान लेने गई थी ना शॉप पर, तो वहाँ से मैं कुछ नया लेकर आई, पता जो चोड़ा परी बोलते हैं यहाँ पे गुजराती में उसको, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी होती है क्या होती है। तो फटाफट से सब्जी छौंक देती हूँ, नमक ऐड कर देती हूँ और उसके बाद पानी ऐड करके फिर ढक देती हूँ, फिर लगाऊंगी आटा, है ना। तो बस हम हाउसवाइफ का क्या रूटीन होता है ये बताइए। हम हाउसवाइफ का बस डेली यही रूटीन होता है, सबसे पहले खाना बनाओ, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, बस यही होता है। तो क्या करती हूँ मैं पहले धनिया साफ़ करके रख लेती हूँ। धनिया में अभी क्या मिट्टी आ रही है, तो बरसात का मौसम है तो मिट्टी मिट्टी आ रही है, तो पहले से क्लीन करके धो के उसको कट करके रख लूँगी, तो सब्जी बन जाएगी ना, तो तुरंत के तुरंत उसे डाल दूँगी। ज़्यादा हमको कटवट करने की, क्या होता है कि जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना तो धनिया धोती हूँ ना तो हाथ गीले हो जाते हैं, तो रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो पहले से ही मैं सारा काम तैयार करके रखती हूँ और उसके बाद फिर दूसरा काम यानी कि आटा लगाने के लिए बैठ जाती हूँ मैं। तो आज मैंने इतनी अच्छी अच्छी रील बनाई है इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग ज़रूर देखना। तो आटा हमारा ख़त्म हो गया, तो आटा लेने के लिए ही गई थी मैं शाम के टाइम, आटा तेल ये ख़त्म हो गया था। लेकिन क्या होता है कि शनिवार का टाइम था, शनिवार का दिन, तो उस दिन थोड़ा सा तेल रह गया था, तो मैंने कहा अभी नहीं लेने जाने वाली, शनिवार और रविवार ये 2 दिन मैं तेल नहीं लाती हूँ। तो मैं सोमवार को लेने के लिए गई तेल, तेल आटा थोड़ा बहुत जो भी ख़त्म हो गया था, चाय की पत्ती वो सारी चीज़ें, और वो लेने भी नहीं, कहते हैं कि शनिवार को तेल नहीं लाना चाहिए घर में। तो ये देख लीजिए, अभी तो पता है फ्रेंड, अभी तो दिवाली आने वाली, सिर्फ कितना कौन से महीने में दिवाली, दिवाली है अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के में 24 ऐसा कुछ, 24 या 25 तारीख की है। तो मैं गांव जाने वाली, वहां पर भी थोड़ा बहुत कुछ रिपेयरिंग करवाना है घर, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। पता है बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि आप अपने गांव का होम टूर कराइएगा, तो ठीक है मैं कराऊंगी आप लोगों को, जब जाऊंगी तब ज़रूर कराऊंगी। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा, क्या मेरे हिस्से क्या है क्या नहीं है गांव में, मुझे क्या मिला, कैसा रहन सहन है, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आटा हमारा लग चुका है, तो मैं बनाऊँगी रोटियाँ, रोटियों के बाद फिर मुझे कपड़े भी और निचोड़ के सूखने के लिए डालना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि पानी नहीं आ रहा था सुबह में, लेकिन अभी आने लग गया है। तो पहले बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, और उसके पहले सब्जी दूसरे वाले गैस पर रख दूँगी और रोटियाँ बना लेती हूँ फटाफट से जल्दी जल्दी।
वरना हस्बैंड जी आ जाएंगे ना तो चिल्लाएंगे बहुत, मतलब डांटेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को भी समझना चाहिए ना कि सुबह सिर्फ नाश्ता करके गए और अभी करीबन 1:30 बज रहा है, अभी आए नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले से लोइयाँ बना के रख देती हूँ और फिर उसके बाद एक साथ फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लेती हूँ। आप लोग भी ऐसा करते हो क्या, बताना मुझे। लोइयाँ पहले करने करके रखने से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है हमारी। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम सब्जी भी चेक करते चलते हैं, पक गई कि नहीं पक गई, वरना और चलानी भी चाहिए, वरना क्या होता है कि एक साइड आलू पक जाते हैं और दूसरे साइड कच्चे कच्चे रह जाते हैं। तो सब्जी बनने में कम से कम 2 या 3 बार हमको चलाने चाहिए अच्छे से, और इस तरीके से पूरी कवर करके रख देना चाहिए जिससे कि जल्दी पक जाती है। तो चलिए फटाफट से मैं अपनी रोटियां फिनिश कर लेती हूँ, और आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मैं बस वही डेली जो हाउसवाइफ का, जो इंडियन हाउसवाइफ का रूटीन होता है, डेली ब्लॉग होता है, बस वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बस। और नया नया क्या लाऊँ, कहाँ से लाऊँ डेली, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि यार वीडियो में कुछ ना कुछ नया शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो ये देख लीजिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि कपड़े निचोड़ने के लिए बाकी रह गए हैं, तो फटाफट से इनको निचोड़ लेते, पानी आ गया है वरना फिर चला जाएगा तो कपड़े हमारे रह जाएंगे, तो फिर वही टेंशन वाली बात। तो सबसे पहले मैं कपड़े निचोड़ देती हूँ, फिर बाल्टी को अच्छे से धो के साबुन से इसको भर के रख देती हूँ। क्या कभी कभी पानी नहीं आता है ना, तो ये बाल्टी भरा पानी ही काम आ जाता है, तो मैं हमेशा बाल्टी भर के रखती हूँ, खाली कभी भी नहीं रखती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।